ఢిల్లీలో కరోనా కేసుల ఉధృతి విపరీతంగా ఉన్న నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ వారం రోజుల క్రితం లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ సోమవారం ఉదయం గంటలకు ముగియనుంది ఆ సమయంలో ఆయన లాక్డౌన్ పొడిగింపు అవకాశం చెప్పినప్పటికీ ఆ పని చేయక తప్పలేదు మరో వారం రోజుల పాటు లాక్డౌన్ పొడిగిస్తున్నట్లు కేజ్రీవాల్ ఈరోజు ప్రకటించారు వచ్చే నెల మూడో తేదీ ఉదయం ఐదు గంటల వరకు లాక్డౌన్ అమల్లో ఉంటుందని చెప్పారు आ, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की सबका मत यही है कि लॉकडाउन कभी और बढ़ाना चाहिए तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफ़्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है अगले सोमवार को सुबह पाँच बजे तक के लिए इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं ये लगभग 36-37 परसेंट तक पहुंच गई आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37 परसेंट तक संक्रमण दर पहुंच गई पिछले एक दो दिन से थोड़ी सी कम हुई है आज 30 के नीचे आई है उनतीस पॉइंट कुछ आई है मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है लेकिन ये अभी तथ्य हैं अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा हो सकता है बढ़ जाए हो सकता है कम हो लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है हमने हाँ दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है इसका भी काफ़ी कम एक तरह से कल 330 335 तक ही दिल्ली पहुंची है तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में उसके मुकाबले में 330, 335 ही पहुंच रही है ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है लेकिन हमारे ऑफिसर्स हमारे सभी मंत्रीगण हमारे सभी लोग रात रात भर पिछले कुछ दिनों में जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है एक एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से मैन्युफैक्चरर से ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही कई जगह फेल भी हुए हम लोग और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुँचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है इतनी कम है तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब पीछे कल से ठोस कदम उठाना चालू किया एक हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं जिसमें हर दो दो घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक एंड यूज़र तक हर एक को दो दो घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले दो घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली के अंदर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले दो घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई कितने घंटे की और बच गई ये सारी चीज़ें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है तो इसके अलावा केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है कल भी पूरा दिन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठी रही और दोनों टीमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार अच्छे से मिल काम कर रही हैं और आ, कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाईज़ आने में दिक्कत हो रही है उन दिक्कतों को दूर किया जा सके और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आ, आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए आ, कल मैंने आ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है और भी जहाँ से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके पूरे देश से दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ